पाकिस्तान शंघाई ताबुन तंजीम की मेजबानी के लिए तैयार। चीन के वजीर आजम कॉन्फ्रेंस से एक रोज पहले आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सिविल और अस्करी क्यादत से मुलाकात करेंगे, अहम मनसूबों से मुतालिक तबादला ख्याल करेंगे। रूस का 76 रुकनी वफ्द, चीन का 15 रुकनी और भारत का 4 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। नायब वजीर आजम इसहाक डार का तहरीक इंसाफ से 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल वापस लेने का मुतालबा। कहा एक जमात SCO इजलास को नाकाम बनाने की कोशिश कर रही है। एहतजाज की कॉल वापस लेना ना सिर्फ मुल्क के मफाद में है बल्कि उस सियासी जमात के मफाद में भी है। बानी PTI से मुलाकात करा दो, 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज मुलतवी कर देंगे, तहरीक इंसाफ की शर्त। नून लीग ने PTI का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। तलाल चौधरी कहते हैं PTI एहतजाज का सिर्फ सोच सकती है, एहतजाज करने की हिम्मत उसमें नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है जब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कैद थे तो उन्हें अपनी बीवी से फोन पर बात करने की इजाजत ना दी गई और वो उसी हाल में दुनिया से रुखसत हो गईं। PTI ब्लैकमेल कर रही है कि बानी PTI से सियासी मुलाकात के लिए सहूलतकारी चाहिए वरना SCO कॉन्फ्रेंस को सबोताज किया जाएगा। बानी PTI से मुलाकात के लिए औलाद को लंदन से बुलाया जा रहा हो तो फिर बात बनती है। रावलपिंडी की मरी रोड और उसके अतराफ पुलिस का गश्त। पुलिस ने डबल रोड और मरी रोड पर दुकानें बंद करवा दी। रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक शहर के कुछ इलाकों में 3 रोज कारोबारी मराकज, दुकानें और हॉस्टल्स बंद रहेंगे। शहरी 3 दिन गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। हुकूमत ने 3 दिन छुट्टी का ऐलान किया है। शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। फैजाबाद से चांदनी चौक तक बॉयज हॉस्टल्स खाली किए जाएंगे। गर्ल्स हॉस्टल्स में नकलो हरकत को महदूद किया जाएगा। वज़ीर इत्तला'आत सिंध शर्जील मीमन ने कहा है कि जिन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की उन पर खिलाफ वर्जी के मुकदमा दर्ज किए गए हैं। शंघाई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। चंद रोज पहले कराची में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाकया पेश आया। तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए हुकूमत सिंध ने दफ़ा 144 नाफिज की। मकसद ये था कि कोई तसादुम लड़ाई झगड़ा ना हो। पुलिस मोबाइल जलाने और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों पर दहशतगर्दी मुकदमा दर्ज हुए हैं। मुजावजा आइनी तरमीम पर सियासी जमातों को एतमाद में लेने का मामला। पीपल्स पार्टी का वफ्द शहरी रहमान की क्यादत में आज MQM से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात आज सुबह 11 बजे इस्लामाबाद में होगी। मुलाकात में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी शरीक होंगे। इसराइली शहर हाइफा में हिजबुल्ला का ड्रोन हमला, 3 इसराइली हलाक, 67 जख्मी, 9 की हालत तश्वीशनाक। हिजबुल्ला का ड्रोन हमले में इसराइली फौजियों को निशाना बनाने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली दिफाई निज़ाम ने ड्रोन का पता नहीं लगाया ना ही हमले के सायरन बजे। मकूसा जुलान में इसराइली फौजी अड्डे पर भी हिजबुल्ला के मिज़ाइल हमले। मशरिक़ गजा के इलाके नसीरात में इसराइल की स्कूल पर शेलिंग, 13 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। सेक्रेटरी जनरल अक्वामे मुत्तहदा ने इसराइल को खबरदार किया है कि लबनान में अमन दस्तों पर हमले जंगी जुर्म बन सकते हैं। अमन मिशन्स पर हमले बैनुल अक्वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। जनूबी लबनान में इसराइली टैंक अमन दस्ते के बेस में घुस गए थे। अक्वामे मुत्तहदा अमन फोर्स के 5 एहलकार जख्मी हुए। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के साबिक वजीर बाबा सिद्दीक के कत्ल की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कबूल कर ली। कहा बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान से दोस्ती की वजह से बाबा सिद्दीक को निशाना बनाया। बाबा सिद्दीक के कत्ल के बाद सलमान खान के घर के बाहर सिक्योरिटी मजीद सख्त। लॉरेंस बिश्नोई गैंग इससे पहले भी सलमान खान को कत्ल की धमकियां दे चुका। अप्रैल में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने कबूल की थी। लाहौर में घी और ऑयल की कीमतों में 50 रुपये फी किलो तक इजाफा। दर्जा सोम का घी 390 से बढ़कर 440 रुपये, दर्जा दोम 450 से बढ़कर 470 रुपये और दर्जा अव्वल के घी की कीमत 480 से बढ़कर 490 रुपये फी किलो हो गई।
ज़राए के मुताबिक तलब ज्यादा और रसद कम होने से घी की कीमतें बढ़ीं। घी मिल्स मालकान कहते हैं उन्होंने कीमतें नहीं बढ़ाईं। इजाफे की वजह मार्केट का अदम इस्तेहकाम हो सकता है। नून लीग के वफ़ की MQM के रहनुमाओं से इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस में मुलाकात। मुजवजा आइनी तरमीम और बल्दियाती हुकूमतों को बाख्तियार बनाने पर बात। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि कोई भी जमहूरियत पसंद आइनी पैकेज से इख्तलाफ नहीं कर सकता, MQM के तहफ़ुज़ात को दूर करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा नून लीग के वफ़ से आइनी तरमीम आर्टिकल 140A और MQM के लापता कारकुनों समेत मुख्तलिफ उमूर पर बात हुई। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद मोहब्बत और शौक का नहीं मजबूरी का है। हुकूमत जो आईनी तरमीम चाहती है वो पीपल्स पार्टी की नहीं है। लाहौर में अमीर खलील रहमान मेमोरियल सोसाइटी के तहत मुजाकरे के दौरान गवर्नर पंजाब ने सरकारी स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत देने की मुखालफत कर दी। कहा सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यूनिवर्सिटीज़ में मामूली फीसें ली जा रही हैं लेकिन पंजाब में स्कूलों को ठेके पर दिया जाना तश्वीशनाक बात है। सिंध में तो स्कूल्स हैं ही नहीं, जो हैं उनमें जानवर बंधे नजर आते हैं। इम्तिहानात में नकल और सेंटर्स का बिकना रिवाज है। वजीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का गवर्नर पंजाब को जवाब, कहा पंजाब के 7 अजला शरह खानदगी में आज भी टॉप पर हैं। कराची के 2 इलाकों और हैदराबाद के अलावा बाकी सिंध में शरह खानदगी 0 है। तहरीक इंसाफ वाले काम गवर्नर पंजाब ने भी शुरू कर दिए। वज़ीर इत्तला'आत सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि बानी PTI और इसराइल का गठजोड़ SCO कॉन्फ्रेंस सेबोताज करने के लिए सरगर्दा है। PTI क़यादत पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर मुल्क दुश्मन मफादात को तरजीह देती है। बानी PTI पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने के लिए चीनी सदर के दौरे को सेबोताज करने की साजिश का हिस्सा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के वफ़ की मुलाकात। पीपल्स पार्टी ने विफाकी आईनी अदालत के मामले पर ड्राफ्ट के हवाले से आगाह किया। फैफिन ने उसूली तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ आईनी अदालत के क्याम पर इत्तफाक किया और अपनी तजावीज़ भी पेश की। शहरी रहमान ने कहा हम चाहते हैं 26वीं आईनी तरमीम 18वीं तरमीम की तरह शफाफ और इत्तफाक राय से हो। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर सिविल सोसाइटी को वसी तर मुशावरत का हिस्सा बना रहे हैं। और सरगोधा में नहर लोअर जहलम का बंद टूटने और सैम नाले की पाइपलाइन फटने से मुख्तलिफ इलाके जेरे आब। 4000 से ज्यादा मकानात मुतासर, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुतासरा इलाकों में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे।